चले तो आगे बढ़ रहे हैं और आज तुम्हारे नए चैप्टर की शुरुआत होगी और चलेगा आपका एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव और वॉइस। तो हमारी जो वॉइस है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। ठीक, एक्टिव हम पढ़ चुके हैं और वो किसके रूप में, टेंस के रूप में। ठीक है, जो टेंस होता है वो तुम्हारा एक्टिव होता है। अब जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम पैसिव वॉइस की। ठीक है, ठीक। तो अच्छा, एक्टिव हमने इसलिए क्यों लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि एक्टिव का ही पैसिव बनता है। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव मतलब दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, एक्टिव लिखा होगा उसका पैसिव बनाना होगा। ठीक, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर की जब बात आए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वही चार स्ट्रक्चर है तुम्हें याद रहने चाहिए। उन चारों स्ट्रक्चर के साथ ही आपको पैसिव वॉइस को भी खेलना सिखाऊंगा। ठीक, वो भी आप आसानी से मतलब समझ जाएंगे पैसिव वॉइस उन्हीं चार स्ट्रक्चर से, वो चार स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक, चलिए। इसके अलावा लेकिन पैसिव वॉइस के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखना है आपको। जैसे कि आप जब टेंस को पढ़ते थे, किसी भी पार्ट को पढ़ते थे, तो आप एचबी और एमबी को पढ़ते थे ना। भाई आप एचबी और एमबी को हर जगह आप पढ़ते थे, एचबी क्योंकि हर जगह डिफरेंट होता था, एमबी आपका डिफरेंट होता था। ठीक, चले। तो सेम सिस्टम है यहाँ पर। एचबी की अगर हम बात करें, एचबी की अगर हम बात करें तो याद रखना एचबी जो होता है वो आपका यहाँ पर बी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। एचबी का जो इस्तेमाल होगा वो आपका बी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। पैसिव जब आप बनाओगे तो याद रखना आपको अपनी तरफ से बी फॉर्म देना ही देना है। जब आप बनाओ अपना पैसिव वॉइस तो आपको अपनी तरफ से बी फॉर्म देना ही देना है। और याद रखना जब हम बी फॉर्म की बात करें तो आपके तुरंत माइंड में याद आ जाना चाहिए जो आपको पढ़ाया था वर्ब चैप्टर और कहा था वर्ब टू बी, उसका पांचों फॉर्म पढ़ाया था ना, तो पांचों फॉर्म याद होना चाहिए। वो याद रखना है तभी बात बनेगी। ठीक है, तो यानी वर्ब टू बी का मतलब है जो वर्ब चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था वो पांचों फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यार ये मैं बता देता हूँ भाई आपको क्या क्या था वहां पर। मतलब पहला बी वन में जो था वो क्या था आपका, एम और आर था। बी टू में आपका वॉल वर था। इसके अलावा जब हम गए थे बी थ्री में तो बीन था। बी फोर में आपका बीन था। बी फाइव में इस था। अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ यानी क्या क्या था, एम था, आर था और आपका वॉस था, वर था और बीन था, बीन था और इस था। ये बिल्कुल मैंने सीरीज में लिख दी है। ठीक है, यानी दो जो हैं ये आपके क्या है, बी वन, ये आपके बी टू और ये आपके बी थ्री, ये आपका बी थ्री और ये आपका बी फोर और ये बी फाइव। चलिए, पांचों फॉर्म मैंने लिख दिए। तो इन पांचों फॉर्म को अपनी तरफ से आपको देना ही देना है। जब किसी भी आप एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो अपनी तरफ से बी फॉर्म देना ही देना है, हर कीमत पे देना है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। चलिए जी, इसके अलावा याद रखना एमबी जो आएगा इसके लिए, एमबी जो आएगा वो आपका वी थ्री आएगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जो एमबी आएगा वो आपका क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और याद रखना ये एमबी जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ये कौन सा फॉर्म आएगा, जो एक्टिव में आपको दिखे कोई भी फॉर्म दिखे उसको आपको चेंज कर देना है, किसमें, बी थ्री में चेंज कर देना है। यानी कहने का मतलब है यानी जो एक्टिव होगा, जो एक्टिव वॉइस होगा उसका जो वर्ब है, उसका जो वर्ब है वो क्या है, इन एनी फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में मिले लेकिन क्या करना है उसको चेंज कर देना है आपको, चेंज इनटू वी थ्री, उसको वी थ्री में चेंज कर देना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया? यस सर। इसके अलावा और क्या बातें याद रखना है आपको, पॉइंट नंबर एक हो गया, पॉइंट नंबर टू हो गया, ये पॉइंट नंबर थ्री हो गया। पॉइंट नंबर फोर जान लीजिएगा, सब्जेक्ट जो बन जाएगा आपका, याद रखना किसी एक्टिव का, ये एक्टिव होगा इसका जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा याद रखना आपका पैसिव, मतलब पैसिव में जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में जाकर के, पैसिव में जाकर क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है ये जाकर के बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट, यानी क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। ठीक, यानी जो सब्जेक्ट है
वो क्या बनेगा एक्टिव का? ऑब्जेक्ट। मतलब एक्टिव से जब पैसिव में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का तो वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में जाकर के। बात समझ में आ रही है? यस सर। और बाकी और आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। बट याद रखना और क्या बात है, जब सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट बनाओ पैसिव में जाने पर तो क्या होता है, वहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली बाय और जुड़ जाता है और बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। ये तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लिखाया, बाकी जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो इनको कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सब दिमाग में फीड हो जाएगा। बस बस अंतर चाहता मैं इतना हूं, जितना लिखा दिया पर इसको लिख लो, उसके बाद देखो क्या होता है। चले तो आगे बढ़ा जाए। तो यानी इन सब बातों का मतलब याद रखना है, अगर नहीं भी याद रह पाते कोई नहीं, अभी प्रैक्टिस में सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए, आपको याद हो तो जब आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी अदर वर्ड में दो चीजें बताई थी आपको, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो आपको उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि जो हम बनाते हैं एक्टिव का पैसिव, वो सिर्फ और सिर्फ तभी बनाएंगे जब सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं बनेगा। हर किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये आपको बताया था, अगर याद हो तो, नहीं है तो रिमाइंड करा रहे। तो यानी इसका मतलब क्या, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा, अदर वर्ड यहाँ होगा ही नहीं, अदर वर्ड नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा तो ही पैसिव वॉइस बनेगा। अगर अदर वर्ड आपने लिखा तो इसका मतलब होगा भी कॉम्प्लीमेंट भी होगा, और कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस बनता नहीं। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको लाइव चेक, जैसे मैंने कहा था आई टेक टी, हमने कहा आई टेक टी, तो एक चीज बताइएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये अदर वर्ड है, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो ये क्या है आपका? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। हमने कहा आई गो टू मार्केट, अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अदर वर्ड है, तो भाई आपके जाने से ये बताइएगा मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? नो सर, कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट है। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट है तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट का जो पैसिव वॉइस है इसका बनाना अपराध होगा, ठीक। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, अगर पैसिव वॉइस बनाया तो वो अपराध हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का इसका बना सकते हो आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो ये बात समझ में आ गई? हालांकि स्ट्रक्चर वही चार ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, अंदर इतना है बस, अदर वर्ड का हमने क्या बोल दिया, जो आपका बनता है पैसिव वॉइस वो आपके ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, तभी बनेगा। एक्टिव में अगर सेंटेंस में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ही पैसिव बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इसके अलावा अब कुछ नहीं करना है, सीधा बस बनाना ही चालू कर देंगे हम। जरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने जब शुरुआत की थी टेंस की, जब आपने टाइम एंड टेंस आपने पढ़ा था तो क्या किया था, आपने शुरुआत की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट से शुरुआत की थी। बिल्कुल ऐसे शुरुआत करेंगे हम, जो है सिंपल प्रेजेंट का ही वॉइस सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट वॉइस। अब की बार टेंस नहीं सीख रहे हैं हम, अब की बार वॉइस सीख रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट का वॉइस, ठीक है, और वो भी कैसा वॉइस, पैसिव में, याद रखना, ठीक है। एक्टिव में भी वॉइस होता है हमारा, पैसिव में होता है, तो हम यहाँ पैसिव की बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का वॉइस हमको बनाना है, तो सेंटेंस आपका एक्टिव में लिखा मिलेगा तब पैसिव में जाकर बनेगा ना। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा आई टेक और टी, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने आई टेक टी। इसका अब यार एक चीज समझ लीजिएगा, आपको जब पैसिव वॉइस बना रहे हो आपको हिंदी मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर करो, काम खत्म। आपको हिंदी मतलब नहीं जानना है कि इसका हिंदी मतलब क्या होगा, वो बात की बात है, उसे तुम्हें करना नहीं कुछ उसका, ठीक है। आपको आंसर चाहिए ना, आपको पैसिव बनाना है, वो बनेगा। आपको चाहे उसका हिंदी मतलब नहीं निकालना आता हो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कोई भी टेंस उसको पहचान करना आपको बताया था, सीधा आपको क्या करना है, वर्ब पे जाकर के मतलब धावा बोलना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कभी वन और विवन का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। भाई सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बनाना है इसका आपको क्या, आपको बनाना है पैसिव वॉइस, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको बताया था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, क्रॉस कनेक्शन मार दो, कहानी खत्म हो जाएगा, बन गया। इतना करना है बस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो
जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारा क्या है? टी। मतलब अब क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट? टी बन जाएगा। यानी जो आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, टी हो गया। इसके अलावा मैंने कहा था कोई भी वर्ब हो उसको चेंज कर देना है किसमें? V3 में चेंज करना है, बताया था ना। बी फॉर्म और बिना बी थ्री का याद रखना, एक बार को बाय हो या ना हो, लेकिन बिना बी फॉर्म के बिना बी थ्री के, यानी दोनों का एक साथ आना जरूरी है। अगर दोनों एक साथ ना मिले तो आंख बंद करके कह देना ये पैसे वाले है ही नहीं। ठीक, तो टी इसके बाद ये टेक है, तो टेक का जो बी थ्री क्या होगा? टेकन हो जाएगा जी। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा ये आए है तो इसको लेकर के जाना है, तो जरा एक चीज बताइएगा क्या आए रह जाएगा? प्रोनाउन का टेबल आपको पढ़ाया था भाई, ये तो सब्जेक्टिव केस में है, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो इसका रूप चेंज हो जाता है ना, तो किसमें चला जाएगा? मी में जाएगा। और अभी आपको बताया था जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में के लिए तो बाय के साथ जाता है, तो भाई बाय लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया जी बाय। यहाँ तक किसी को आपत्ति है क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब जरा देखिएगा सेंटेंस में बी थ्री तो है लेकिन बी फॉर्म क्या है? नहीं है ना। और हमने कहा था कि अपनी तरफ से आपको बी फॉर्म देना ही देना है, तो क्या आपने दिया अभी तक? नहीं है ना। अब आपको यहाँ पर बी फॉर्म देना है। ठीक, अब बी फॉर्म हमारे पास कितनी है? 5 है, पर 5 ही तो बी फॉर्म है। अच्छा, अब बात आती है उनमें से हम क्या लगाएंगे जी, ये क्वेश्चन है, उनमें से हम लगाएंगे क्या? तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, बिकॉज आप बात कर रहे हो सुपर प्रेजेंट की, और सिंपल प्रेजेंट की जब आप बात कर रहे हैं तो भाई प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए दो ही मतलब वर्ब होती है, बी1 और बी5 होती है भाई, बी1 और बी5 होती है आपकी, और बी1 बी5 होती है। तो बी1 कहां आता है ये सब आपको पता है, बी5 आपको कहां आता है ये सब आपको पता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल लेगा। हमारा जो सब्जेक्ट बताओ सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है ना, ये चाय है तो भाई कई सारी चाय तो है नहीं ना, सिंगुलर है तो वहां भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, तो ये बताएगा बी1 लेगा कि बी5 लेगा? बी5 लेगा, क्योंकि बी5 जितनी भी फॉर्म होती है वो सब क्या होती है आपकी? सिंगुलर होती है। तो यानी बी फॉर्म हम लगा देंगे अपना इज। अब ये बताइएगा बोलो कोई आपत्ति है इसमें? बन गया पैसिव वॉइस, ऐसे बनता पैसिव वॉइस। बी3 का आना जरूरी है और बी फॉर्म का आना जरूरी है, वो हमने लगा दिया, काम खत्म हो गया, बन गया हमारा पैसिव वॉइस। किसी कोई आपत्ति आ रही हो तो बताइएगा। इसके अलावा और देख लो एग्जाम्पल, मान लीजिएगा हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट कहा आपने, इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। तो कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस कनेक्शन कर दो, काम खत्म हो जाएगा। पहले ले आइएगा आप क्रिकेट को, आप क्रिकेट ले आए, चलिए यहाँ तक बात ठीक हो गई जी। क्रिकेट के बाद कोई भी फॉर्म है वर्ब किसी भी रूप में हो आपको चेंज करना है किसमें? V3 में। V3 तो इसको किसमें कर देंगे आप? V3 में। आपने कर दिया जी प्लेड, हो गया, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं, सब्जेक्ट है ही, इसको ऑब्जेक्ट बनने जाना है तो ये किसमें चला जाएगा? हिम में। आपने हिम में कर दिया, हमने कहा था जब सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा ना पैसिव वॉइस में तो बाय के साथ जाता है, तो आपको बाय लगा देना है। बोला तो कोई आपत्ति? इसके अलावा फिर भी सेंटेंस आपका राइट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने एक बात कहा अपनी तरफ से बी फॉर्म देना ही देना है, बिना बी फॉर्म के बाद बनेगा नहीं, अपनी तरफ से बी फॉर्म देना ही देना है, चाहे उसमें हो चाहे ना हो, आपको अपनी तरफ से बी फॉर्म देना है। अब बी फॉर्म देना है तो भैया बात आ रही किस कौन सी बी फॉर्म लगाए अभी, तो भाई बात ये देख लो ना कि वर्ब जो आप बना रहे हो टेंस का वॉइस किसका है वो, भाई हमने देखा ये B5 है, B5 वाला क्या होता है? प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की फॉर्म आएंगे, प्रेजेंट के लिए जो बनी है आपका B1 और B5, और B1 आता प्लुरल के लिए, B5 आता सिंगुलर के लिए, तो सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो कौन लेगा B1 और B5 लेगा? B5 लेगा। ठीक है, तो वही जा जाएगा, बोलो किसी को कोई आपत्ति है? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? और देख लो एक और एग्जाम्पल, हमने कहा नंबर 3 एग्जाम्पल है ये, हमने कहा आए वॉश माई क्लोथ्स, हमने कहा है वॉश माई क्लोथ्स, तो भाई बनाना क्या पैसिव वॉइस? कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस कनेक्शन कर तो बन गया पैसिव वॉइस, इतनी सी बात है। हमने लिया माई क्लोथ्स पहले भाई, ठीक। इसके अलावा कोई सी फॉर्म हो किसमें जाना है? V3 में चेंज होगा, हमने कर दिया वॉश, तो कोई कुछ किसी से पूछना नहीं हमको। उसके बाद ये जब जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट में तो बाय के साथ जाएगा, और बाय
बी हो जाएगा। आप बोले हाँ किसी कोई आपत्ति, लेकिन एक बार बताइएगा आपकी तरफ से बी फॉर्म दिया क्या? नो सर। दिया ना, तो अपनी तरफ से बी फॉर्म देना है आपको। अब बी फॉर्म देना है तो ये बात मुझे प्रेजेंट की, क्योंकि बॉस क्या बी वन, बी वन हमारा प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट के लिए देना है। तो अब प्रेजेंट के लिए दो फॉर्म होते हैं बी वन बी फाइव, तो बी वन बी फाइव में से क्या लाए? बी वन आएगा, बी फाइव बी वन, यहाँ पर बी वन आएगा, ठीक है, बी फाइव नहीं आएगा। हमारे पे कोई सब्जेक्ट हमारा कैसा है? तो वही वन बी टू आएगा, तो बी फाइव आएगा, तो मतलब बी फाइव मतलब नहीं आएगा, आपका बी वन आएगा। अब बी वन में आपके दो होते हैं एम और आर, ये आप भली बात ही जानते हैं। एम जो आता है वो किसके लिए आता है? सिर्फ आई के लिए आता है, और किसी के लिए एम आता नहीं। अब उसके बाद बचा क्या आपका? आर। तो आर याद आएगा भाई, हमने बी फॉर्म लगा दिया। बोलो किसी कोई आपत्ति है? नो सर। बन गया पश्चिम बॉय, ऐसे बनता है, इतने से काम होता है पश्चिम बॉय। दुनिया भर का ये करो वो करो, इसके बाद ये करते हैं, मैं ये मेरे द्वारा ये कराया जाता है, मेरे द्वारा ये होता है। अरे किसी के द्वारा कुछ नहीं होता, जो लिखा सेंड है बस क्रॉस कनेक्शन मार दो, बी फॉर्म अपनी तरफ से लगाओ, कोई भी फॉर्म हो उसको बी फॉर्म को बी थ्री में चेंज कर दो, काम खत्म। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो इस तरीके से जो है आप बना लेंगे, कोई आपत्ति नहीं होने वाली है, सिर्फ क्रॉस कनेक्शन मारो और काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। मान लीजिएगा नेगेटिव मिले तो क्या करोगे भाई? है मानेगा नेगेटिव मिल जाए तब क्या करोगे? कुछ नया नहीं करना है, मैंने कहा है लिख दिया आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी। चलिए यहाँ पर मैं दो पॉइंट और आपको बताने जा रहा हूँ, ये और याद रखना है वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की एचवी हम नहीं लेते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की एचवी हम नहीं लेते हैं, बाकी सबकी एचवी लेते हैं। पसंद आ रही? यस सर। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की एचवी हम नहीं लेते हैं, बाकी सबकी एचवी हम ले लेते हैं, बट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की एचवी हम नहीं लेते हैं जब हम पैसिव में बनाएंगे एक्टिव को, ठीक है? यानी डू का इस्तेमाल जब पैसिव में जाएगा तो नहीं, मतलब इसको चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसको लेंगे नहीं। चलिए तो बस बनाना चालू कर दो, सीधा यही क्रॉस कनेक्शन मारो, हमने लिखा टी, इसको एचवी को नहीं लेना है, कर दिया नॉट, टेक का ये बी थ्री में चेंज हो जाएगा, ये बाय में जाएगा और मी मी में आएगा, मी हो जाएगा। आपकी तरफ से बी फॉर्म दिया क्या? नहीं दिया, देना है तो भाई प्रेजेंट की बात चल रही है यहाँ, तो ठीक है सब हो गया, कैसे क्या करना है, कैसे समझते हैं, तो बताइए बी वन बी फाइव आएगा? बी फाइव आएगा, ये जा जाएगा, बात खत्म, बन गया बता रही जब सारी बस नॉट टेकन बाय खत्म। और देख लो ही डज नॉट काउंट मनी, ही डज नॉट काउंट मनी, इसका बनाना है तो वही क्रॉस कनेक्शन मनी उसके बाद नॉट काउंटेड, काउंट का काउंटेड बी थ्री हो जाएगा और बाय मी सॉरी हिम की बात चलिए तो बाय हिम हो जाएगा। और यहाँ पर बोलो क्या आएगा एचवी, कौन सा आएगा? बी फाइव। तो इज एम आर क्या? अरे ये जाएगा, कहाँ खो रहे हो? डाइवर्स तो कोई बात ही ना, बस सिंपल प्रेजेंट का एचवी प्रयोग नहीं करेंगे और सिंपल पास्ट का दो चीज का एचवी नहीं लेते। अभी तक बी फॉर्म देना ही देना है तो हमने दे दिया, अपन की बात हमारी। आगे देखो, मान लीजिएगा हमने लिखा ही He does not speak English. He does not speak English. मान लेगा ये बनाना है तो कोई क्रॉस कनेक्शन करना है, सबसे पहले क्या इंग्लिश को लेकर आएंगे? इंग्लिश को लेकर आएंगे जी, तो इंग्लिश ले आए, इसके अलावा नॉट नॉट रहेगा, स्पीक का बाय हिम, इसके अलावा इंग्लिश हमने अपनी तरफ से भी फॉर्म नहीं दिया,
बी फॉर्म देना है तो कौन सा आएगा? विवर्ण विभाग आएगा भाई, बिकॉज दिस इज सिमिलर टेक सिमिलर, बिकॉज सब्जेक्ट सिमिलर सब्जेक्ट टेक सिमिलर, सो इज आ जाएगा। बोलो कौन सी आप बता रही है, इससे आसान क्या होगा? तो मैं चाहता हूँ लिखे जाए, आज के क्लास यहीं बैक करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप ब्रिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।